लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मुख्यमंत्री धामी को हराने वाले खटीमा विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के लापता होने के गुमशुदगी के पोस्टर पूरे खटीमा में लगा दिए गए। मामला जान पुलिस भी हैरान हो गई। विधायक की मां संग पत्नी भी थाने पहुंची। परिजनों का कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। कुछ लोगों ने इस प्रकार के पोस्टर खटीमा में लगाकर विधायक की छवि धूमिल करने का षड्यंत्र रचा है। विधायक भुवन कापड़ी के विधानसभा क्षेत्र में गुमशुदा के पोस्टर लगाए जाने से कांग्रेसी भी भड़क उठे हैं। मामले के बाद विधायक कापड़ी की पत्नी और माताजी ने कांग्रेसियों के साथ कोतवाली का घेराव किया। विधायक कापड़ी की माता व पत्नी ने 24 घंटे में कार्रवाई ना होने पर बच्चों सहित कोतवाली में धरना देने की चेतावनी भी दी है। आज मैं अपने आपको अपने परिवार को महफूज नहीं समझती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे विधायक जी और हम लोगों के प्रति लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब इतनी गंदी मानसिकता करते हैं उनके उनके गुमशुदा के पोस्टर छपा सकते हैं, उनके प्रति अभद्रवाड़ी कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र का विधायक अपने विधानसभा का पहला प्रथम व्यक्ति होता है, जब उसके प्रति ये लोग इतना गलत व्यवहार करें तो कोई व्यक्ति यहाँ सुरक्षित नहीं है। अभी प्रशासन की खटीमा की जनता सुरक्षित नहीं आई है। प्रशासन से क्या मांग किया? मेरे प्रशासन से मुझे न्याय चाहिए। जिस आरोपी का नाम, जिस आरोपी का वीडियो हमने दिखाया है, वो आरोपी 24 घंटे के अंदर यहाँ पकड़ा जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि विधायक कापड़ी के ये फर्जी पोस्टर देर रात लगाए गए थे। इसमें विधायक भुवन कापड़ी का फोटो और उसके ऊपर गुमशुदा की तलाश लिखा हुआ था। कांग्रेसियों ने जब सुबह पोस्टर देखे तो वे आग बबूला हो गए। जैसे ही इसकी खबर विधायक के परिवार वालों को हुई तो पत्नी कविता कापड़ी और माता गोदावरी देवी कांग्रेसियों के साथ सुबह 10 बजे कोतवाली पहुंची। कोतवाली में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और कोतवाल नरेश चौहान का घेराव किया। पत्नी कविता कापड़ी ने कहा कि खटीमा में ओछी राजनीति चल रही है। उनके पति इस समय बाहर गैरसैंण में हैं। उनका छोटा बच्चा स्कूल जाता है। उनके परिवार को खतरा बना हुआ है। उन्हें तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए। उनके घर पर लोग पत्थर फेंक रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यही स्थिति रही तो वो कोतवाली में आकर अपने बच्चों के साथ धरना देंगी। अगर प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं अपने बच्चों और अपनी सास के साथ भूखड़ा में बैठ जाऊंगी 24 घंटे के लिए। विधायक भुवन कापड़ी की पत्नी कविता कापड़ी ने कहा कि उन्हें सुबह क्षेत्रीय जनता का फोन आया कि क्या विधायक किडनैप हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो तो विधानसभा सत्र में गए हैं। फोन करने वाले ने बताया कि क्षेत्र में उनके गुमशुदा के पोस्टर लगे हैं। विधायक कापड़ी की पत्नी कविता कापड़ी ये सुनकर दंग रह गईं। उनका कहना है कि विधायक अपने क्षेत्र में हर व्यक्ति से अपने परिवार की तरह मिलते हैं। कुछ लोग गंदी राजनीति में पड़कर ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं। इस दौरान विधायक भुवन कापड़ी की पत्नी कविता कापड़ी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा कि वो क्षेत्र की जनता से भी पूछना चाहती हैं कि क्या विधायक कापड़ी चुनाव के बाद क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए? क्या जनता ने उन्हें नहीं देखा? वो कभी घर पर नहीं रहते, क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये उन्हें ही पता है कि उन पर क्या बीती है, जब उनसे कहा जा रहा है कि उनके पति किडनैप हो गए हैं। पुलिस ने उन्हें पोस्टर लगाने वाले को 24 घंटे में गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की माता भी अपने बेटे के बारे में ऐसे पोस्टर लगाने से काफी आहत हुई और रोने लगी। भावुक मां गोदावरी देवी ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देंगी। इस घटना के बाद से उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के परिजनों, कांग्रेसियों और क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश है। पुलिस ने भी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। हालांकि ऐसे मामले पूर्व में भी कई विधायकों और सांसदों के साथ हो चुके हैं, जिसमें उनके गुमशुदगी के पोस्टर लगा दिए गए थे। विधायक भुवन कापड़ी निरंतर अपने क्षेत्रीय जनता के बीच नजर आते हैं। ऐसे में विधायक भुवन कापड़ी की विधानसभा में इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए हैं। अब देखना होगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जिनके द्वारा विधायक भुवन कापड़ी के खिलाफ इस प्रकार के पोस्टर पूरे शहर में लगा दिए गए और इसके पीछे उनकी क्या मंशा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, K24 न्यूज। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।